बड़ी खबर झारखंड से, जहां झारखंड गुमला जिले के सिसई विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 36 बगनी में पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बूथ पर फायरिंग की गई। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। वहीं इस घटना में कई जवानों के साथ सिसई थाना प्रभारी भी घायल हैं। घटना में एक स्थानीय पत्रकार भी घायल हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो गोली छोड़ा उसको सामने करो। वो बोले हमको कि आप खाना का व्यवस्था कर दीजिए, तो हम बोले ठीक है, हम पकाने वाले लोग को खोज रहे हैं। और जो मारे उनके पीछे हम थे, बस थोड़ा थोड़ा की बात के लिए, थोड़ा बात के लिए वो स्कूल के बरामदा में खड़े हैं और एकदम धक्का मुक्का करने लगे, तो रुकिए ना कह के वो बोले अभी एकदम टुकड़े हैं ऐसा करके, अभी चलाइए देंगे। तो वो भी बोल दिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बस उसी के चलते अभी नहीं कर सकते। छोटा सा बात, छोटा का बात, छोटा उसका मारा है ना, उनके पीछे हम खड़े हैं। क्या नाम है जवान का, नाम पता है आपको? नहीं जानते। बोरे हैं, हेड थोड़ा सा आती है और टोपी पहन लिए। तो उसमें बोला जो क्या बोलते हैं तीर धनुष का छाप है ना, उसमें ये लोग मार रहा था, ठीक है। तो प्रशासन बोला इसमें नहीं, उसमें मारो कह के प्रशासन को बोला था। जो जिसको गोली मारा गया वो आदमी बोला कि आप सर यहाँ बोल नहीं सकते, ये पब्लिक का मामला है, ये पब्लिक यहाँ जिसमें चाहेगा उसमें वोट मारेगा।